محمد كلما ذكر الغافلون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आलमी इन द लास्ट ऑफ द स्टार। सूरत में अशफाक भाई और मोहम्मद हुसैन भाई के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशफाक भाई बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज जो है तुम्हारे फार्म का ओपनिंग है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ से, अल्लाह का नाम से शुरुआत जो कर रहे हैं हम लोग, माशाल्लाह। ये पहली बार अशफाक भाई ऐसा है कि जो एक मैं फार्म ओपनिंग का शूट किया हूँ जी जी। अदरवाइज बकरे की रिवाइव, बकरे के शो केस बहुत किया है जी। फार्म पहली बार ओपनिंग जो है मैं शूट कर रहा हूँ माशाल्लाह, और ये बहुत अच्छा है। अशफाक भाई हम थोड़ा बताएंगे पहले कौन सा लोकेशन पर है हम एग्जैक्टली। बहुत खूबसूरत जगह है जी। एक्चुअली आप देख रहे हो ना, ये नानी बेड का ब्रिज है, ये आप क्रॉस करोगे तो ये आपको सीधा ये वरियाव लेके आएगा। वरियाव गांव जी। ओके, ये माशाल्लाह वरियाव गांव पर है। और लोकेशन देखे फार्म का, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे फार्म है। हम जो है थोड़ा पूरे बकरे भी दिखाएंगे, आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि अशफाक भाई, क्या फार्म का मोटिव रहेगा उसके लिए जो है हम आगे बात करते रहेंगे, थोड़ा हम फार्म के अंदर में विजिट जी श्योर लोगों को। चलिए, जैसे कि अशफाक भाई, अब्दुल रहीम गोट फार्म वरियाव में लोकेटेड, बेसिकली यू आर फ्रॉम सूरत। यस। ओके, माशाल्लाह। अशफाक भाई सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, गोट फार्म का आइडिया दिमाग में कैसे आया? ये तो एक्चुअली एक शौक है जो हिसाब से आइडिया आया काम में। शौक तो उसकी जगह पर है जी, लेकिन इसको एज अ प्रोफेशन बनाना जी, फार्म में कन्वर्ट करना जी, ये किस तरह से दिमाग में स्टोरी आई कि एक्चुअली जो ये बकरे पलते थे तो फिर उससे शौक जागा, फिर अपने पास जगह भी थी और थोड़े हुसैन भाई भी थे साथ में, तो और हिम्मत रही तो फिर हमने बिजनेस करने का सोचा। चलिए माशाल्लाह, देखिए बहुत अच्छा है। अगर ये बिजनेस ना अगर एज अ प्रोफेशन टेक्निकली किया जाए ना जी, तो ये बहुत बरकत वाला बिजनेस जी। ओके अशफाक भाई, मैं थोड़ा ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अब्दुल रहीम गोट फार्म जो है किन किन चीजों पर काम करेगा? ये एक्चुअली पलाई पे भी करेगा और ट्रेडिंग पे भी करेगा। पलाई भी रहेगी और ट्रेडिंग भी रहेगी। पलाई स्टार्ट हो चुकी है जी? पलाई स्टार्ट हो चुकी है। क्या पलाई चार्जेस है? जो 70 केजी के नीचे रहेगा वो 3000 है और जो 70 अप है उसका 3500 है, लेकिन हमारी पलाई जो है वो डाइट से लेके हर चीज सब अलग है। ओके जी, मैं चाहूंगा हम थोड़ा लोगों को फार्म जो है अपना विजिट कराए, ताकि फार्म विजिट कराएंगे लोगों को समझ में आएगा जी। और बकरे भी तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट अवेलेबल है कुर्बानी के जी, तो वो भी है जो हम दिखाएंगे जी। चलिए थोड़ा अंदर चलेंगे जी। माशाल्लाह अशफाक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये जो है आपका ऑफिस जी है ना जी, पूरा सेटअप नया बनाया जी, पूरा के पूरा नया ही फार्म है। ये अभी फिलहाल टेम्पररी हमने ये डाइट के लिए रखा है, वरना डाइट के लिए ऊपर पूरा रखा हुआ है हमने। स्टोर रूम है, स्टोर रूम है। ओके ठीक है। और ये आगे हम बकरे भी रख सकते हैं फीड के लिए, ठीक है, जैसे कि कुछ एक्जोटिक बकरे वगैरह एक्जोटिक भी रखे हुए। कितना एरिया होगा अशफाक भाई? ये 400 बार 400 400 बार में बनाया है जी। 400-500 बार 400-500 बार के अंदर में। चलिए हम जो है थोड़ा
विजिट करा दूं मैं। अच्छा भाई, ये सारा माल जो है अभी फिलहाल आया हुआ, ये कुर्बानी का लॉट है जी? ये पूरा कुर्बानी का लॉट है। सारे खसी है जो हम जो काम करेंगे, अब जो रहीम गोट फार्म जो है वो जो काम करेगा जी, पलाई सिस्टम और कुर्बानी सिस्टम के अंदर में, अंडू में करेंगे या खसी में? नहीं, ओनली खसी में करेंगे। ओनली खसी में, ओनली अभी फिलहाल के लिए ओनली खसी में करेंगे, लेकिन आंडू का सेटअप होगा तो अभी कोशिश चालू है। ओके, आंडू के लिए अशोक भाई जो है आप कौन सा फार्म प्रीफर करोगे? आंडू के लिए अल्मीम गोट आंडू रखना है तो 100% अल्मीम गोट फार्म। ओके चलिए, खसी के लिए जो है आप अपना बकरा रख सकते हैं। पलाई चार्जेस जो है 3000 जी, और वैक्सीन चार्जेस वगैरह कुछ सब इंक्लूड हो गया उसमें? सब इंक्लूड हो गया। चलिए, उसके बाकी के और जो टर्म्स कंडीशंस है उसके लिए भी हमसे थोड़ी बात करेंगे। आपको विजिट करना रहेगा यहाँ पर। अच्छा भाई, सूरत से एग्जैक्टली कितना किलोमीटर होता है? ये हमारे भागल से 7 किलोमीटर है। भागल से 7 किलोमीटर, नियर बाय 15 to 20 minutes। और ये गूगल मैप पे आप सर्च कर सकते हो कि अब्दुल रहमान गोट फार्म, अब्दुल रहीम गोट फार्म, अब्दुल रहीम गोट फार्म जी, गूगल पर आपने जो है उसको ऐड कर दिया है जी। चलिए, सबसे पहले जो है अब खूबसूरत जी पिंक और गुलाबी के अंदर में सारे कुर्बानी के बकरे आ गए, कितने रंग अवेलेबल है? ये 50 पीसेस है, उसमें से हमने 10 पीसेस सोल्ड आउट कर दिए, 10 बिक चुके हैं जी। ओके चलिए, माशाल्लाह। अच्छा, जिनको बेल्ट पहनाया दिया गया जी, है ना जी, ये हमारे कस्टमर है जी, ये निगाह बकरा है? नहीं, ये हमारे दोस्त है, कस्टमर वहाँ बैठे हैं, कस्टमर उधर जी। थोड़ा अगर हो सके तो मैं उसे उनको भी बुला लूँ। अशोक भाई, माशाल्लाह, ये जो है अभी फिलहाल तो आपने बाहर से खरीदे जी जी, मतलब फॉर कुर्बानी के रीजन से, उस पर्पस से जी। लेकिन आपका कंसेप्ट है कि आप यहीं पे पलाई पे खसी बकरे खुद पालकर सेलिंग कर सेलिंग करेंगे जी, है ना जी, तो वो अच्छी चीज रहेगी। क्या आप डिटेल्स में होंगे ये बकरे? ये एक्चुअली 72 kg की पट्टी है, 72 kg है। ओके जी, और क्या रेट से देंगे हम? देखिए, इसमें हमने अभी ये साल नवा ओपनिंग है तो हमने ऑफर रखा हुआ है सुफियान भाई। क्या ऑफर है? कि अगर कोई 5 बकरे लेता है तो हम उसको 570 में दे देंगे। 570 पर केजी तो जी। और अगर अगर सिंगल डबल लेगा तो उसको 590 में दे देंगे। 590 पर केजी। ओके, 590 पर। वेट ऑन डिलीवरी रहेगा? वेट ऑन डिलीवरी जी, मोर्टेलिटी रहेगी पूरी, फुल इंश्योरेंस। हालांकि वेट ऑन डिलीवरी अब सही है क्योंकि दिन भी कम है इसलिए। ओके चलिए, माशाल्लाह खूबसूरत खसी बकरे है, और 5 बकरे ले रहा है तो ऑफर है 570 का प्राइस जी। और अगर सिंगल ले रहे हो आप, जैसे क्या डिटेल्स के होंगे, यानी कि कितने दांतों पर होंगे? ये 2 और 4 दांती है बस, एक भी 6 दांत पे नहीं है, 2 और 4 दांत। पल्टी के लिए अगर किसी को लेना तो पल्टी के लिए भी ले सकता है। मैं हमेशा अशोक भाई प्रीफर करता हूँ हमारे व्यापारी लोगों के लिए कि आप जो है ना 2 दांत के बकरे खरीदे जी, जितना 2 दांत के बकरे खरीदेंगे, देखिए अशोक भाई अगर इनमें से नहीं भी बिकता है ना जी, तो उसको आधे साल के लिए रख सकते हो, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि जल्दी करनी जी। और ये सारे सुफियान भाई क्वालिटी वाले बकरे, इसमें बकरे बहुत क्वालिटी है, पिंक में है और सिक्के देखे सबके आप इंटैक्ट खड़े सिक्कों में, आप इसको लेकर पाल भी सकते हो माशाल्लाह। और 2 दांत 4 दांत ही है। ओके अशोक भाई, 2 दांत का वैल्यूज जो है जी सूरत में बहुत रहता है जी जी, हमारे शौकीन है ना, 2 दांत के बहुत शौकीन है, है ना जी। ओके चलिए अशोक भाई, ये बहुत अच्छा है, लोकेशन भी जो है हमने बता दिए, जिसको चाहे गूगल मैप पर देखे आइए, विजिट कीजिएगा। मैं तो चाहूंगा, देखिए नया फार्म है सूरत, आपको एक मैं क्वालिटी बता देता हूँ, लाइए देखिए ये क्वालिटी रहेगी बकरे की, वाइट आइज, वाइट सिंग, माशाल्लाह। देखिए ये क्वालिटी रहेगी, पूरा वाइट आइज में, वाइट सिंग, वाइट मार्बल कोर, वाइट आइज में, पूरा वाइट आइज में, माशाल्लाह। 4 दांत, 4 दांतों पर जी। ओके, क्या हाइट की हो, क्या हाइट होगा ये? 40 अराउंड, 39-40। अच्छा, ये क्या रेट, क्या प्राइस से देंगे हम? मैंने आपको बताया ना, जैसे कि अगर कोई लॉट सिंगल ले रहा है, 590 सिंगल लेगा, 590 में देंगे जी। चलिए बहुत अच्छा है, क्वालिटी देखिए आप, बहुत अच्छी है, ऐसे मुंडे भी है, कलर में अलग जो मेरी चॉइस रहती है वही सारी चीजें अवेलेबल। ये देखिए, लाओ ना एक और क्वालिटी बता दें, माशाल्लाह। चलिए अशफाक भाई जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि अल्लाह जो है आपको आपके काम में जो है तरक्की दे बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आप रन कराए जी। एक और बात, कि भराई के लिए भी स्टार्ट किया है हमने, किसी को भराई कराना हो, हमारे हुसैन भाई है जो कि अपने पार्टनर है, इनके पास भराई का भी हम बकरा रखते हैं, तो किसी को भराई पे भी रखना हो तो भी रख सकता है। ओके, हाँ
अशोक में एक बात पूछना भूल गया कि जैसे कि हम जो पलाई पे खसी बकरे लेंगे जी, तो एक अप्रोक्स क्या वेट गेन देंगे हम कस्टमर को? मैक्स टू मैक्स 5 to 6 केजी। 5 केजी देंगे, 5 केजी देंगे पर मंथ एवरेज रहेगा। जो हिसाब से हमारा फीड अभी हमने रखा हुआ है तो इंशाल्लाह 5 केजी देंगे। 5 से 6 केजी तो आना चाहिए हम। ओके जी, वो इंशाल्लाह जो है हम लोगों को नेक्स्ट ईयर वो दिखाएंगे भी, चेस भी करेंगे। और भराई के अंदर में जो है मौसम में क्या चार्जेस लेंगे? भराई में अपने 9000 रुपए चार्जेस लेंगे। 9000 रुपए भराई का? 9000 रुपए चार्जेस लेंगे। ओके, और दाना भी अच्छा देंगे, चारा भी अच्छा देंगे। आंडू खसी? हाँ, आंडू भी लेंगे, खसी भी लेंगे। आंडू भी लेंगे भराई में, खसी भी लेंगे। ओके, 9000 रुपया जो है चार्जेस लेंगे, इंक्लूड एवरीथिंग, सब कुछ आ गया उसके अंदर में। सब कुछ आ गया। सब कुछ। वेट गेन भराई के अंदर में वेट गेन का कितना कॉन्फिडेंटली बताएंगे मोहम्मद हुसैन भाई? 7 से 8 किलो गेन आएगा। 7 से 8 बता रहा हूँ, कोई बकरा दे भी देता है 10 किलो भी दे देता है, 9 किलो होता है। कोई बकरा, देखिए बकरा पर डिपेंड है जी, बकरे पर डिपेंड। भराई के लिए ना स्पेशली मैं ना अशोक भाई को नहीं बोलूंगा कि सेल्फ फीडिंग के अंदर में 5 का 3 भी ऑन एवरेज हो गया ना तो वेल एंड गुड। लेकिन भराई के अंदर में ना अशोक भाई चाहिए जी, क्योंकि वो एक फोर्स फीडिंग है और उसमें जो है हम चाहते हैं कि लोग अगर खर्चा भी कर रहे हैं तो उसमें रिजल्ट बनता है ना। एक अप्रोक्स चलिए आप समझिए 9 नहीं लेकिन एक 7-7 केजी तक, अराउंड 6 केजी भराई में भी आंडू बकरों में होना चाहिए। हाँ। इंशाल्लाह आ जाएगा, आ जाएगा। हमारे अभी जो सेल किए है जी, आ जाओ मंडला, आ जाओ। हाँ चलिए, हम अशोक भाई के जो है कस्टमर है, फर्स्ट कस्टमर है जी, हमारे फर्स्ट कस्टमर है। क्या नाम है हाजी आपका? अब्दुल मन्नान खड़ोदिया। अब्दुल मन्नान भाई खड़ोदिया। ओके, सूरत से ही हैं आप? जी हाँ, सूरत मुगलीसरा से। सूरत मुगलीसरा से। पहला, सबसे पहले बकरे आपने ही खरीदे हैं इनसे, कैसे बकरे कैसे लगे? माशाल्लाह, वो तो ऑब्वियसली पसंद आए तभी खरीदे जी। बिल्कुल, इतने भी बकरे हैं सब माशाल्लाह लेने लायक है, मतलब लेने लायक है ना, लोगों को आना चाहिए, विजिट करना जी, चाहिए जी। अच्छा अब्दुल अनाम, मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप पहले कस्टमर थे तो इन दोनों ने आपको डिस्काउंट क्या दिए? क्या माशाल्लाह, ये तो अरे बताइए बताइए ना। देखिए पहला जो कभी कहीं पर रेस्टोरेंट अगर ओपन होता है आप देखिएगा तो पहला कस्टमर जो होता है उनके लिए एक स्पेशल ऑफर होती है, तो पहले कस्टमर को कुछ तो बनता है, बताइए क्या दिया इन्होंने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी दोस्त भी है और रिश्तेदार भी है क्या, ओके, तो इन लोगों ने माशाल्लाह मेरे को डिस्काउंट मान सम्मान रखा है और आप पहले कस्टमर भी बने हो। और मेन चीज है कि पहले कस्टमर का सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है चॉइस, आपको बेस्ट से बेस्ट आप चॉइस कर सके, ताकि अगर कोई पहले से खरीदे उससे पहले आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। चलिए मेरे साथ जो है किंग खान बैनर अनवर मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम अनवर चाचा। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह अनवर चाचा, आपको यहाँ पर देखकर इनके साथ खुशी हुई, क्योंकि देखिए कहीं भी आप कुछ भी नया काम कर रहे हो लेकिन अगर हमारे बड़ों का हाथ ना हो उसमें तो आई डोंट थिंक सो कि वो सक्सेस होता है। बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है कि आप इन लोगों के साथ में हो यहाँ पर। अनवर चाचा कैसा लगा फार्म? एक नंबर, अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा। देखिए वेंटिलेशन वगैरह भी देखिए आप, और खुली जगह है, खसी बकरों के लिए अच्छी जगह है नो डाउट। पलाई चार्जेस वगैरह तो हम बता दिए हैं, माशाल्लाह फैन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। मोहम्मद हुसैन भाई, अरे अनवर चाचा, फार्म अच्छा लगा। आप हाँ। बकरे देखेंगे कि ये लोग आगे किस तरह काम करेंगे, इनका कंसेप्ट जो है थोड़ा भराई का भी है। हाँ बराबर है ना, तो भराई में तो ऑलरेडी आप पूरे सूरत के अंदर में हर एक के साथ आपकी बहुत हेल्प रहती है, आप जुड़े हो लोगों से, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ, बकरे में कुछ दिक्कत हुई आप तुरंत उसके लिए रेडी रहते हैं उनको हेल्प के लिए, जरूर। तो इनके साथ भी आप बने रहेंगे ना। हाँ, और मेन चीज अनवर से एक बात और पूछना चाहूंगा, नेक्स्ट वीक 26 को हमारा सूरत का गुजरात का कंपटीशन का जो है रिजल्ट आने वाला है, कैसी तैयारी है आपकी? हाँ बहुत अच्छी तैयारी। हाँ तैयारी अच्छी है माशाल्लाह। ओके, तो हमारी वहाँ पर 26 को भी मुलाकात होगी। जरूर जरूर, क्योंकि मेरे को पता है कि आप वैसे तो आप चुपे रुस्तम रहते हैं, डायरेक्टली तो पता नहीं चलता। कहाँ रहते हैं? रामपुरा में। रामपुरा में, अच्छा इंतज भाई इससे पहले अपनी मुलाकात नहीं हुई? नहीं तो वैसे भी क्या है कि ये इंटरव्यू पे आने का कोई शौक नहीं है। नहीं ये शौक की बात नहीं है, ये शौक की बात नहीं है, मुझे पालने का शौक है, मगर इंटरव्यू पे आने का कोई शौक नहीं है। नहीं इंतज भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर उस्ताद जो है वो हर उस्तादों के साथ व्यवहार है अपना जी माशाल्लाह। क्या अगर ये सब जो चीज है ये फर्स्ट टाइम में भी आने के, तो समझो कि ये हमारे अमनुर मामू है, ये मोहम्मद है, वो हिसाब से थोड़ा आना पड़ा। दुआ का मसला था इंतज भाई,
आना चाहिए। हाँ, वो तो सही बात है, तो शौक का मिल लेंगे। ये जो है ना जी, ये दोनों है ना मजबूत उस्ताद है सूरत के। नहीं माशाल्लाह, मैं इसलिए बोलता हूँ इंडिया में आने के लिए, ताकि देखिए आप लोग ना जी भलाई करना जी चीजें सब मैंने इन लोगों से सीखी जी। मैं इसलिए बोलता हूँ इम्तियाज भाई आने के लिए, देखिए आप लोग ना एक हमारी नई यूथ के लिए आप लोग एक आइकॉनिक होते हो। आपको देखकर शौक बढ़ता है, बच्चों में शौक लगता है, तो हम वो चाहते हैं कि भाई आप लोग आएंगे तो आपसे सीखेंगे, आपको जानेंगे तो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे कुछ सीखना चाहे, है ना। तो उस वजह से रीजन तो होता है ना अनवर चाचा। अनवर चाचा को कहाँ कहाँ से कॉल आते पूछने के लिए कि साइड कैसे निकालते हैं ना अनवर चाचा बकरों की। लोग सीखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को फायदा हो, है ना। ओके मोहसिन भाई, चलिए ये तो हो गया, बहुत अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह खूब आपके कारोबारों में जो है बरकत दे और आगे बढ़ते जाए इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, हम जो है यहाँ खत्म करेंगे। जिस किसी को जो है सोजत के बकरे चाहिए खस्सी के अंदर में, हम जो है आपके ये यहाँ पे फार्म पे आइए, विजिट कीजिएगा, नंबर जो है स्क्रीन पर है। चलिए अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।